कपाल भाती के अभ्यास सीखना हम लोगों को, और कपाल भाती का सबसे पहले तो अर्थ जान लें। कपाल मतलब होता है मुखमंडल और भाती मतलब चमक। यानी जिस अभ्यास को करने से दुनिया की समस्त बीमारियों का खात्मा हो जाता हो और शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता हो और स्वस्थ होने के बाद चेहरे पे हमारा प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाए, उस अभ्यास का नाम है कपाल भाती। एक बार कर ले, दिखाते हैं आपको। नाक से झटका से हवा बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं आप लोग, करिए। चाचा जी खाए बस नकिया से हवा के फेंकी, जैसे बैलून ऐसे कर बेटी, कर सीधा बैठो। पंद्रह मिनट यदि केवल कपाल भाती किया जाए, छोटे छोटे बच्चों को जैसे सावधानी को भी ध्यान में रखिएगा, 5 बरस से छोटा बच्चा को कपाल भाती नहीं करवा, 5 बरस से लेकर के 10 साल के बच्चों को 2 से 3 मिनट करवा, और 10 साल से मरते समय तक 15 मिनट, और बड़ी बीमारियों में आधा आधा घंटा। कितना देर तक? आधा आधा घंटा। हाँ, और सावधानी याद रखना है, किसी भी माँ बहन को गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, और किसी भी माँ बहन बहु बेटियों को मासिक धर्म के दौरान कपाल भाती का अभ्यास नहीं करना है, और जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है उनको 6 महीना तक कपाल भाती का अभ्यास नहीं करना है, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उनको भी 6 महीना तक कपाल भाती का अभ्यास नहीं करना है। तो सावधानी भी याद रखिएगा, नहीं तो जिनको नहीं करना है उनको करवा दीजिएगा, तो लाभ के बदला में हानि होगी, इसलिए सावधानी भी याद रखना है, तरीका भी जानना है। और करिए कपाल भाती, कर बेटी करो, करी चाचा जी, करी दो, सीधे बैठ जाना है, सबको करना है। जो नहीं करेगा उसको लीवर खराब होगा, जो नहीं करेगा उसको कैंसर होगा, जो नहीं करेगा उसका किडनी खराब होगा, शुगर बीपी होगा, उसका शरीर में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी होगी, जो योग और प्राणायाम नहीं करेगा। यहाँ तक कि यदि 2 मिनट तक कोई सांस नहीं भरेगा, चाहे कितनों पहलवान हो, कितनों धनी मानी हो, केवल नाक और मुंह 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, आंखों के सामने मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? इसलिए सांस लेना सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? सबके लिए जरूरी है, ऐसा किसी को नहीं सोचना है कि बिना सांस के हम जिंदा रह सकते हैं। करिए कपाल भाती। प्राण ही देवता है, प्राण ही माता पिता है, प्राण ही ईश्वर है। प्राण यदि जब तक है तब तक सब कुछ दिख रहा है, प्राण जिस दिन रुक गया आंखों के सामने सब ओझल हो जाता है। करते रहे कपाल भाती, प्राणों की आराधना करिए। जन्म लेते ही माँ के कोख से जब जन्म लेते हैं तो प्राणायाम शुरू हो जाता है। जानते हैं कब? बच्चा रोता है, क्या होता है? बच्चा रोता है जन्म लेते, यानी उसका हृदय प्रारंभ हो जाता है, काम करना शुरू करता है, सांस लेना शुरू कर देता है, और जिस दिन मरता है आदमी उस दिन प्राण लेना छोड़ना बंद हो जाता है। यानी जन्म लेते ही प्राण लेना छोड़ना प्रारंभ हुआ और मृत्यु के समय प्राण लेना छोड़ना बंद हो जाता है। यानी जीवन और मृत्यु के बीच में जो खेल चल रहा है वो केवल और केवल प्राणों पर आधारित है, केवल और केवल सांसों पर आधारित है। इसलिए सांसों के साथ प्रेम बना के रखना है, और रोज हमें इस अभ्यास को प्रतिदिन करना है। कपाल भाती जब करेंगे